हेलो गाइस, टैरो एक्सपर्ट टेबल 6 पर आपका स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की मन की बात क्या है, यानी कि मन में आपके लिए क्या चाहते हैं वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ मुझे पता चलेगा मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वेट अ मिनट गाइस, हम चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। रिलेशनशिप की एनर्जी, ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देखते हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी बताएं। एनर्जी ब्रोकन हार्ट, रिलेशनशिप की एनर्जीज बताइए। यिन यांग, एक कार्ड और लूंगी मैं। चलिए फिफ्थ चक्र, ओके, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, यहाँ पे 3, 9, 22, 39। ठीक है, सबसे पहले आप किसी जर्नी में चल रहे हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती होंगी, आप इन एंड आउट होते रहते होंगे, आप में से कोई एक इन एंड आउट होता रहता है, रिलेशनशिप में जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ आए, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार आपका ऐसा होता होगा कि किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया, कुछ चाहे ना चाहे कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है रिलेशनशिप में जिससे आप दोनों या कोई एक हर्ट हो जाता है। बार बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर बातचीत करने लग जाते हैं, फिर एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। ऐसा यिन यांग की एनर्जी में होता है, यानी कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं आपसे बहुत से लोग। ठीक है, सबके लिए फिर भी नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है कि आपका बार बार हार्ट ब्रेक होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ आएँ, तो खुशियों की जगह कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, थर्ड पार्टी आ जाती है और एक साइकिल चलता रहता है। अगर आप उन साइकिलों से अलग हटके कोई कुछ नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाता है। ऐसा इन जर्नी में होता है और इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, मतलब अलग अलग इनके पार्ट होते हैं कि इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद ये वाला आएगा। बहुत डिटेल स्टोरी है तो जानना बहुत अभी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों की कोई जर्नी चल रही है, मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत से लोग ऐसी जर्नी में जिसमें वो हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसा पार्ट है उस लाइफ का या फिर उस जर्नी का जिसमें आपको हार्ट ब्रेक झेल रहा है, कोई एक बहुत ज़्यादा पेन में है, कोई चाहता है कि खुशियाँ आए लेकिन आ नहीं पा रही, और डेफिनेटली किसी ने अपनी मन की बात को रोक के रखा है। ठीक है, आज हम मन की बात ही करेंगे, यानी कि आपको अगर कोई फीलिंग्स नहीं बता रहा तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर 39 का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि कोई अपना मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। ओके, कोई अपना थर्ड चक्र होता है, फिफ्थ चक्र है, तो अपना कोई दिल खोल के आपसे बातें करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जो बातें दबी हुई हैं उसको खोल के बताना चाहते हैं आपके सामने, जिससे ये हार्ट ब्रेक जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए, ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन गायब हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है रिलेशनशिप में। यूनिवर्स बताएं वो करेंटली क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप, ये जो व्यूअर के पार्टनर है वो करेंटली मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, करेंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में, मेरे व्यूअर के पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के। ओके, ये आने को था, हम ले लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके, थ्री कार्ड्स आ चुके हैं, क्योंकि जंप होके एक साथ आए तो हम ले लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं सबसे, ओहो ये वाला कार्ड भी है हमारे पास। ठीक है, सिक्स कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके, द स्टार, द हैंगमैन एंड जस्टिस, जजमेंट, सॉरी। देखिए यहाँ पे अगर साइन की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और कोई एक्वेरियस यहाँ पे है, पाइसिस यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है और टॉरस कोई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे साइन कुछ भी है क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी साइंस आ जाएंगे बारी बारी से, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रांगली मुझे लग रहा है एक्वेरियस और पाइसिस टॉरस कोई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो पार्टनर है उनकी ओवरऑल एनर्जी टू ऑफ वॉन्ड्स की है। ठीक है, इनको कुछ डिसीजन लेना है जीवन में, कुछ डिसाइड करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहली बात ये आपसे एक नई रिलेशनशिप यानी कि नई शुरुआत चाहते हैं, किसी किसी के लिए न्यू लव भी हो सकता है। ठीक है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो न्यू लव भी हो सकता है और स्टार्टिंग है, एक साल ही हुआ होगा शायद आपके रिलेशनशिप को, और कहीं ना कहीं बातें थोड़ी सी ब्रेकडाउन या फिर हार्ट ब्रेक किसी का हो चुका है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है।
ये जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है क्योंकि इनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप इनको एक स्टार की तरह लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आंखों में, ठीक है, आपको लोगों का अट्रैक्शन मिलता है ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है। ये कुछ गलतियां कर चुके हैं रिलेशनशिप में जिससे इनका जो दिल है वो दुखा है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। ये जो बातें आपके बीच में थी या स्टार्टिंग में जो था वो वैसा नहीं चल रहा, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड है जो कि बताता है कि आपको स्टार लाइक मानते हैं, इनकी आप विश हैं, ठीक है। अगर ये कुछ मांगना चाहते हैं जिंदगी में तो आपको मांगना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आपको बनाए रखना चाहते हैं, आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं, ये इस मिसिंग एनर्जी में है गाइस। बहुत ज्यादा आपको याद करें, आपको मिस करें, करंट एनर्जीज ये है गाइस, ओके। लेकिन हैंगमैन का कार्ड बहुत ज्यादा डीप डाउन थिंकिंग कर रहे हैं, इनके कुछ अवेकनिंग है, यानी कि इनके में कुछ, इनके बिहेवियर में इनके कुछ बदलाव चेंजेस आ रहे हैं इनकी दुनिया में, या फिर इनके इनके थॉट्स में बदलाव आ रहे हैं। ये किस कोई चीज़ें जो आपकी शुरुआत में थी उसी को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड, इनको कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो पार्टनर है यानी कि आपके लिए, आप जो हैं वो बिल्कुल इन्हीं के लिए बने हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चाहे जो भी सिचुएशन है, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, किसी का दिल दुखाया है, तो ये डेफिनेटली आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बातों को साफ साफ तौर से कहना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके विश हैं, ठीक है। आप अगर कुछ भगवान से मांगते हैं तो सिर्फ आपको ही मांगते हैं, अभी की एनर्जी बता रही हूँ, ये आपको ही, अगर भगवान कहेगी क्या चाहिए तुम्हें तो सबसे पहले ये आप ही का नाम लेगी, वो दे दो मुझे, ठीक है। तो आप इनकी ऐसी प्रायोरिटी बने हुए रहे हैं जिसके कारण ये हैंगमैन बने हुए हैं, कि डीप डाउन इनके कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके लिए रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आप ही वो पार्टनर है जिसके बारे में ये हमेशा से सोचते थे, ठीक है। अगर कोई नया कनेक्शन है तो डेफिनेटली ये आपके ही बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में बने, इनके लाइफ पार्टनर बने, ऐसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम, ठीक है। इनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके, क्या करना चाहते हैं, इंटेंशंस वैसे बिल्कुल सही है गाइस, यहाँ पे इंटेंशंस भी दिखाई दे रही है कि आपको अपनी विश फुलफिलमेंट यानी कि आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन कुछ है जो जिसके कारण ये थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स, इंटेंशंस क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड आने को है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई टॉरस वीगो कैप्रिकॉन है, द एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्स, गाइस मैं क्या ही बताऊँ, टेन ऑफ वॉन्स, इनको मुझे लगता है कि इनको कंट्रोल इश्यूज हैं, यानी कि ये इनको ऐसी आदत है गाइस, ये माय वे और हाईवे से चलने वाले पर्सन है, ठीक है। ये बहुत कुछ अपने कंट्रोल से करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, ये बहुत जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दो दो कार्ड बता रहे हैं कि इन ये बहुत ईगोइस्टिक, जिद्दी और जिस बात को ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स नहीं बताते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका घोड़ा भी रुका हुआ है। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एम्परर कोई एरीज हो सकता है, टॉरस वीगो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, लेकिन साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इनका घोड़ा रुका हुआ है, चाहते हैं आपके पास अप्रोच करना है, लेकिन चाह के भी ऐसा काम नहीं करे, क्योंकि इनको लगता है कि मैं जाऊँगा तो सही लेकिन मेरे तरीके से, यानी कि मैं जब सोचूंगा, मैं जब फिक्स होऊंगा, मेरी चीज़ें आपसे फिक्स करनी है, वो चीज़ें जब फिक्स हो जाएगी तब आपके पास आएंगी, यानी कि अपनी बातों को होल्ड करके रख रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। डीप डाउन ये आपके मन में क्या सोचते हैं, मन में ये सोचते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें, ठीक है। ये ऑलरेडी कोई मैच्योर पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर है तो इनके बच्चे, बाल बच्चे भी हो सकते हैं, मैरिड पर्सन भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कार्ड्स हैं ऐसे, ठीक है। अदरवाइज ये अगर अपनी पावर में है, ये फुल पावर में है अभी, इनकी इंटेंशंस ये है कि मैं जब चाहूँगा, जब इसके साथ आगे बढ़ूंगा, ठीक है, जो भी कनेक्शन है उसको एक स्टेप आगे ले जाना है, बिल्कुल रेडी खड़े हैं, लेकिन जब टाइम आएगा, जब इनकी मर्जी होगी, जब इनकी इंट्यूशन कहेगी इनको, तभी ये काम करेंगे, ठीक है। माय वे और हाई वे से ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए दो कार्ड जो है इनके जिद्दी स्वभाव को बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में रखने की जिद है इनमें, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में बनाए रखने की जो जिद है वो इनके इंटेंशंस है, मतलब आपके प्रति इंटेंशंस ये बहुत प्योर है। ये जो कार्ड होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्लो एनर्जी में होता है, लेकिन श्योर, मतलब जो भी काम करेंगे वो स्टेबल करेंगे, यानी कि जो कि आगे लॉन्ग टर्म तक चलेगा वैसा काम करना चाहते हैं।
अगेन ये बहुत ज्यादा पैशनेट आपके प्रति हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एडवाइस करते हैं आपके लिए, मतलब ड्रीम्स देखते हैं आप इनकी लाइफ में होंगी तो ये होगा ये होगा, एक नई शुरुआत पैशनेट स्टार्ट होगी, आप इनके साथ लाइफ पार्टनर बन के कैसे लगेंगे, आपके बाल बच्चे कैसे लगेंगे, इस तरह की इमेजिनेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ये है कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत खूबसूरती से आगे बढ़े और एक नया स्टार्ट हो आपके जीवन में, ठीक है। इनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सोच समझ के प्रैक्टिकली सोचना, धीमी गति से लेकिन श्योरली आपके पास आना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पे इनकी इंटेंशंस देख पा रही हूँ, ठीक है। आप देख लेते हैं विद इन वन वीक में इनके एक्शन क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती रहती है, तो गाइस हम ज़्यादा लॉन्ग तक नहीं देख सकते, सिर्फ वन वीक तक देखेंगे एनर्जीज क्या कहती हैं, क्या एक्शन रहेंगे इनके आपके प्रति, वन वीक में एक्शन क्या रहेंगे यूनिवर्स बताएं। चलिए हमारे पास देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, ये अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे, सबसे पहला कार्ड ये बता रहा है कि अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे, और दो कार्ड और आ चुके हैं मेरे पास, सारे ही ले लेंगे गाइस हम, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए फाइव ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए आपको आपके पास आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा इनका थोड़ा जिद्दी स्वभाव लग रहा है, आपसे सेवन डेज में कैसे एक्शन होंगे इनके वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास आएंगे और ये देखेंगे कि आपका क्या रिएक्शन होता है, इनको लगता है कि जब आपको ऑफर देंगे तो आप किस एनर्जी में रहेंगे, ये चेक करना चाहते हैं। ये हो सकता है आपसे कुछ तू तू मैं कर लें, या फाइट हो सकती है आपकी सात दिन में, ठीक है, क्योंकि इनको लगेगा कि जो आप ऑफर कर रहे हैं वो आपके पार्टनर को बड़ा ऑफर चाहिए, और आपको आप एक नाइट की एनर्जी में ऑफर दे रहे हैं, यानी कि आप है तो किंग लेकिन नाइट की एनर्जी में जाएंगे, तो थोड़ा सा इनको जो निराशा फील होगी आपके पार्टनर को यानी कि मेरे व्यूअर को, तो ये ऐसा चाहते हैं कि वो निराशा क्यों है, वो इस बात से आपको कोई ऐसी बात कह सकती हैं या फिर आपकी कन्वर्सेशन तू तू मैं बदल सकती है, थोड़ा वो झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में है, जिसके कारण थोड़ा सा झगड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। और टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये जगलिंग करेंगे आपके लिए, जाऊं ना जाऊं, कहूं ना कहूं, ये ऑफर दूं या नहीं दूं, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन में रहेंगे आपके पार्टनर, और सेवन डेज में यही होने वाला है गाइस, इनके एक्शन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ऑफर दें जिससे आप संतुष्ट ना हो और आप कुछ कहें और लड़ाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और ये ओवरऑल कहें तो ये बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे, इनको लगेगा कि आपने इनका जो कप है वो स्वीकार नहीं किया, ऐसा इनको लगेगा, ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है। आप फाइनली आउटकम देख लेते हैं क्या है, बेटा गाइस आउटकम देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है यूनिवर्स, फाइनल बताइए क्या होने वाला है, सेवन डेज के लास्ट में क्या होने वाला है आउटकम। ओके, दो कार्ड हमारे पास आ चुके हैं, मैं एक ही ले रही थी, यहाँ पे देखिए बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस है फुल मून इन पाइसिस, कोई पाइसिस हो सकता है, और यहाँ पे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, तो गाइस करना ये है आपको, ये एडवाइस के रूप में भी कार्ड होते हैं, आपका आउटकम क्या होगा, हमने देखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आई है हमारे पास, और कार्ड भी उसी बारे में बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है गाइज, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेगा, जो चीज़ें क्लियर नहीं है उसको क्लियर करना पड़ेगा, आपके आपकी सिचुएशन ये बता रही है कि सिचुएशन सही हो तभी होगी जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचेंगे और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि क्या सही है क्या गलत, जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश कीजिए, अपने मन की बात सुनिए और कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लीजिए, ठीक है। दूसरा कार्ड आपकी रिलेशनशिप में वन वीक की बात है, बहुत लॉन्ग टर्म तक की मैंने बता रही हूँ गाइस, ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में आपको ये करना है, ठीक है, ये आउटकम भी है आपका और एडवाइस भी है गाइस, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कर्स मून गाइस, ये बताता है कि चीज़ें जब भी सही होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, जब आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, थिंग्स विल बी चेंज, हो सकती है चीज़ें चेंज, हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन इस तरह से रहेंगे जो कि चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो आपको अपने एक्शन बदलने की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप अगर थोड़े में विश्वास करेंगे तो थोड़ा ही सही, आगे जाके आपको फुल कमिटमेंट भी मिल सकता है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए, और जो थिंग्स जैसे चल रहे हैं उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, यानी कि जैसे एक्शन आपके होते हैं बातचीत के दौरान उनको थोड़ा चेंज करके चलने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग थी आपकी, अब कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं, ठीक है, वेट अ मिनट गाइस, मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से आपको,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हार्ट ब्रेक का कार्ड है, तो गाइस कुछ बातें ऐसी होती है जो कि ना कहें तो ही अच्छा होता है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ चेंजेस आपको करने हैं अपनी लाइफ में, या अपनी बातों में, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है? ये मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस भी है और ये आपका आउटकम भी है। तभी बातचीत जो आपको रिजल्ट देखना है, जो पॉजिटिव रिजल्ट देखना है, वो तभी मैं आपको मिलेगा। चलेंगे जो मैसेजेस है वो देख लेते हैं क्या है। तू एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ। तो ये कहना ये चाहते हैं कि आप पहले एक्शन लें, उसके बाद ही आपके साथ हो लेंगे, ठीक है? यू ऑलवेज इन माई थाट्स, आई कैन फील इट। तो ये हमेशा आपके थाट्स में रहते हैं और इनको फील भी रहता है। यू आर माई स्वीट हार्ट, तो आप इनकी स्वीट हार्ट हैं। आई एम फार फ्रॉम यू, तो आपसे बहुत दूर लगते हैं मुझे, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कोई हो सकता है, ठीक है? मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अभी आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं, हो सके तो आपको कॉल करना चाहिए। आपको अपनी ईगो में नहीं रहना चाहिए, आपको चेंजेस करने की जरूरत है। आपको सलाह भी दी जा रही है, ठीक है? तुम सबसे अलग हो, बिल्कुल। आई वॉज डेस्टाइन टू बी विद यू, तो इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं फिक्स हो, ठीक है? आई फील इट इज़ अ लाइफ टाइम कनेक्शन, इनको फील होता है कि आपका इनका कनेक्शन कोई लाइफ टाइम कनेक्शन है। तो गाइज आपके पास कमिटमेंट भी जरूर आएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके चले। जिस प्रोस्पेक्टिव से आप देखते हैं उसको थोड़ा बदल कर देखिए, हो सकता है आपके फेवर भी हो चीज़ें, ठीक है? तो ये रीडिंग थी गाइज। आपको कुछ भी पसंद आए सबसे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको किसी से शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. I'll be seeing my next reading. Bye bye guys.